मैं तो चार मैं निया को बोला था, निया यू मस्ट गो टू द बिग बॉस हाउस, आई टोल्ड निया, एंड बिकॉज आई नो दैट शी लूज अ कूल देयर, तो मजा आएगा देखने के लिए. आई थिंक दैट्स अ लिटिल अनफेयर टू से कि कोई फिट ही नहीं है बिग बॉस के घर में. आई थिंक यू नो सब लोग फिट है जाने के लिए. इफ यू आर थोड़ा अनफिट दैट्स जस्ट अ जोक. हाँ प्लीज. हाँ क्या बात कर रही हो. थैंक यू यार. एक्चुअली मैं हमेशा ही ऐसे था. एंड अगर आपने कभी देखा है मुझे ऑन स्क्रीन तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सकता है रियल रहूँ. इवन द वे आई लाफ, दैट्स द वे आई लाफ इन रियल लाइफ ऑल्सो. इफ यू गाइज नो मी, यू नो यू ऑल हैव सीन मी ऑफ कैमरा ऑल्सो. मैं ऐसे ही बात करता हूँ, मैं ऐसे ही रहता हूँ. एंड आई थिंक थोड़ा रियलिटी शो में वेन यू आर होस्टिंग, इट डजेंट हैव टू बी एवरीथिंग, डजेंट हैव टू बी लाइक perfect and correct, and you know you just have to be real. Like when Salman sir host Big Boss ki baat kare to the way he talks is so real. Ye nahi lagta hai ki you know kuch whatever he is feeling he is saying. So wo bahut zaruri hai ki logo tak aapki bahut baat kaise pahunch rahi hai. So I think मैं तो बहुत मस्ती करता हूँ. कभी कभी मैं क्या बोलता हूँ मुझे खुद समझ नहीं आता कि इतनी ज़्यादा मस्ती हो जाती है कि यू डोंट रियलाइज बातों बातों में आप ऐसी भी चीज़ें बोल देते हो जो आपको शायद टीवी पे नहीं बोलनी चाहिए. बट देन या दैट्स एडिटेड. आई थिंक ही इज़ वेरी कूल. और जो गाना बनाया ना स्वैग से करेंगे सबका स्वागत. आई थिंक ही हैज़ ऑल द स्वैग पॉसिबल एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर इंस्पायर्ड बाय हिम. By his, you know, from his work, the way he is, his personality, and the way he carries himself. And as far as I know him, he's very sweet, very helpful, and very, वैसे off camera भी बहुत मस्ती करते हैं.